तरह खौफनाक किस्म का दर्द उठा है मेरे घुटनों में। ये दर्द कैसा है और तुमने ये पतिया किस खुशी में बांध रखे हैं? तुमने तो इतनी मार नहीं पड़ी है। ये पतिया तो मैंने उस मार के लिए बांधी है बरखुरदार जो अभी मुझे पड़नी है। हाय किस गजब का ब्लो मारा था उस जंगू ने तुम्हें। कितना ग्रांडील जवान था, क्योंकि तुम्हारा इस कम नहीं हो सकता और उसका जुलम कम नहीं हो सकता, लिहाजा मार तो मुझे ही पड़नी है, इसलिए मैंने पट्टियां बांध ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ताहिर बुखारी प्रोग्राम दरख्शां सितारे के साथ हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं फिरोजा न्यूज। आज मैं गुफ्तगू करूंगा फन के बेताज बादशाह रंगीला के हवाले से। बिलाशुबा रंगीला की पहचान एक कॉमेडियन की हैसियत से है, लेकिन वो एक वर्सटाइल अदाकार भी थे और उन्होंने ट्रेजडी किरदारों को नहायत उमदगी से निभाया। और वो सिर्फ अदाकार ही नहीं थे बल्कि उन्होंने कई शोबों में अपने फन का सिक्का जमाया। रंगीला के आबाओ अजदाद का तल्लुक अफगानिस्तान से था। इनके वालदैन खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके पारा चिनार में मुंतकिल हुए थे। रंगीला 1 जनवरी 1937 को पारा चिनार के गांव सडा डोगर में पैदा हुए। इनका तल्लक मस्तोखेल पठान फैमिली से था। एक दिलचस्प बात यह है कि रंगीला का पहला नाम फिल्मी लोगों को मालूम तक नहीं। इनकी वालदा ने उनका नाम शेर आगा रखा था और वो मरते दम तक उन्हें शेर आगा के नाम से पुकारती थी। ताहम उनके वालिद ने उनका नाम सईद खान लिखवाया। रंगीला के वालिद खान गुल ब्रिटिश आर्मी में बतौर सपाही काम कर चुके थे। बाद अजां वो अमाम मस्जिद बने। एक हादसे की वजह से पारा चनार से उनका ख़ानदान पेशावर शिफ्ट हो गया। रंगीला ने पेशावर के एक मदरसे से इब्तदाई तालीम हासिल की और उन्होंने प्राइमरी तालीम भी वहीं से हासिल की। रंगीला को टीन एज में बॉडी बिल्डिंग का शौक पैदा हुआ और उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी और बॉडी बिल्डर बन गए। ताहम अदाकारी का शौक इन्हें पेशावर से लाहौर ले आया। रंगीला ने लाहौर आकर फिल्मी मंडी रॉयल पार्क में एक मशहूर पेंटर आज़ाद की शागिर्दी इख्तियार की, जहां उनकी मुख्तलिफ फिल्म साजों और हदायतकारों से मुलाकातें होती थी। रंगीला अपनी मेहनत की बदौलत एक अच्छे पेंटर बन गए। इन्हें पहली बार हदायतकार एमजे राणा ने अपनी फिल्म जट्टी के सानवी किरदार में कास्ट किया, जिसकी नुमाइश 20 जनवरी 1958 को हुई। इस फिल्म में उनका सिर्फ एक सीन था, लेकिन उन्होंने अपने जिस्म की हरकत की बदौलत हदायतकार को मुतासर किया, जिस पर शूटिंग के दौरान ही एमजे राणा ने उनके लिए दो सीन मजीद लिखवाए। इनके साथ अदाकार नज़र मजाहिया किरदार अदा कर रहे थे। उन्होंने मुखालफत की कि इन्हें मजीद किरदार ना दिया जाए। ताहम उस वक्त के मशहूर मजाहिया अदाकार ज़रीफ ने रंगीला की तारीफ की और रंगीला ने बहुत अच्छी अदाकारी का मुजाहरा किया। इसके बाद इन्हें मुख्तलिफ हदायतकारों ने अपनी फिल्मों के मुख्तसर किरदारों में कास्ट करना शुरू कर दिया। 1961 में रिलीज होने वाली फिल्म सुरैया में उन्होंने अपनी मजाहिया अदाकारी के जरिए फिल्म बिनों को बेहद मुतासर किया और इनकी पहचान बनी। फिल्म में रंगीला को खारिश की बीमारी होती है। उन्होंने इस किरदार को इंतहाई खूबसूरती से निभाया और इसमें हकीकत का रंग भर दिया। इब्तदा में उन्होंने स्टेज ड्रामों में भी अदाकारी की। रंगीला ने सलमा, गुलबदन, गहरा दाग जैसी और बहुत सी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने उस जमाने के मशहूर कॉमेडियन नज़र, ज़रीफ, खलीफा नज़ीर और फिर उसके बाद मुनव्वर ज़रीफ की मौजूदगी में अपनी जगह बनाई और शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया। रंगीला ने अपने मुनफरद अंदाज, बॉडी लैंग्वेज और मजाहिया अदाकारी की बदौलत अपनी पहचान बनाई और इन्हें मुनव्वर ज़रीफ के साथ मुख्तलिफ फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। फिर रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ की जोड़ी फिल्मों में मशहूर हो गई। आपको गलत फहमी हुई है पहलवान जी, मैं चमचा तो नहीं, मैं तो सिर्फ गाल लाया था। ये मेरी बदकिस्मती है कि माल ही खराब निकला। ले जाओ उस टेढ़ी तुम आदमी को, आज तो मैंने ये जिंदा छोड़ दिया है, फिर कभी आया तो इसमें जान से मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम आपको ये तकलीफ नहीं देंगे, ले जाओ इसे घोड़ा अस्पताल। रंगीला ने बतौर कॉमेडियन तो कामयाबी की सनद हासिल कर ली, लेकिन वो अपने अंदर फन की कई जहतें छुपाए बैठे थे। रंगीला ने इन्हें बाहर लाने का फैसला किया और
1969 में उन्होंने रंगीला प्रोडक्शन के नाम से एक फिल्म साज अदारा कायम किया। उन्होंने बतौर फिल्म साज, अदाकार, मुसन्नफ, हदायतकार, गुलूकार दिया और तूफान के नाम से एक फिल्म बनाई। इन्हें फिल्म बनाने के लिए बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इनकी फिल्म में हीरोइन का किरदार यंग टू ओल्ड था, क्योंकि रंगीला की पहचान एक कॉमेडियन की हैसियत से थी, इसलिए कोई भी मशहूर हीरोइन बतौर हदायतकार उनकी फिल्म में काम करने को तैयार नहीं थी। लेकिन अदाकारा नगमा ने हामी भरी और रंगीला ने एजाज और नगमा को फिल्म के मरकजी किरदारों में कास्ट किया। फिल्म में रंगीला के साथ मुनव्वर शरीफ और खलीफा नज़ीर ने मजाहिया किरदार अदा किए। फिल्म की कहानी रंगीला ने खुद तहरीर की, ताहम इसका स्क्रीन प्ले और मुकालमे बशीर नियाज ने लिखे। गीतों की धुनें कमाल अहमद ने तख्लीक की और कैमरामैन नईम रिजवी थे। जब फिल्म मुकम्मल हो गई और रंगीला ने इसकी नुमाइश की तारीख का ऐलान किया तो एवरनी स्टूडियो के मालिक आगा जिया गुल ने इन्हें अपने दफ्तर बुलाया और मशवरा दिया कि उस फिल्म को रिलीज ना करें, क्योंकि उसी तारीख को अदाकार मोहम्मद अली और जेबा की होम प्रोडक्शन के तहत एक फिल्म जैसे जानते नहीं हैं कि नुमाइश हो रही थी। ये एक बड़े बजट की फिल्म थी और इसके तकनीककार भी नामवर थे। फिल्म की डायरेक्शन एस सुलेमान ने दी थी, मुसन्निफ आगा हसन इम्तसाल, मौसीकार निसार बज़मी और कैमरामैन कामरान मिर्ज़ा थे। आगा जिया गुल का मशवरा पुरखलूस था। उनका कहना था कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन के सामने आपको नुकसान होने का खदशा है, लेकिन रंगीला ने उनका मशवरा मानने से माजरत कर ली और मुकर्रा वक्त 19 मई 1969 को अपनी फिल्म की नुमाइश करने का ऐलान कर दिया। हालांकि उनकी फिल्म को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने को तैयार नहीं था और उन्हें खुद रिलीज करना पड़ी। जब फिल्म की नुमाइश हुई तो उसने फिल्मी पंडितों की तमाम क्यास रायाँ गलत साबित कर दी, जैसे जानते नहीं फ्लॉप और दिया और तूफान सुपरहिट हो गई। इस फिल्म की कामयाबी ने रंगीला को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। इस फिल्म में रंगीला ने दो नगमात गाए, इनमें एक सुनो रे दिल वालो कमारे मर जाना रंगीला और मुनव्वर शरीफ दोनों ने गाया था और दूसरा उनकी आवाज़ में गाया हुआ गीत गा मेरे बनवा बहुत मकबूल हुआ। फिल्म की कामयाबी से रंगीला की बहुत हौसला अफजाई हुई और उन्होंने दूसरी फिल्म रंगीला के नाम से बनाने का ऐलान किया। उस फिल्म में मरकजी किरदार रंगीला ने खुद अदा किया। ये फिल्म 18 सितंबर 1970 को नुमाइश पजीर हुई। फिल्म में गुलूकारा तसव्वुर खानम का गाया हुआ एक गीत सब तो सोनिया बहुत मकबूल हुआ। अगले साल उन्होंने एक और फिल्म दिल और दुनिया बनाई, जिसे 1 अक्टूबर 1971 को रिलीज किया। ये रंगीला से भी ज़्यादा मकबूल हुई। इससे अगले साल उन्होंने दो रंगीले के नाम से फिल्म बनाई, जो 8 नवंबर 1972 को नमाइश पजीर हुई। यके बाद दीगरे चार फिल्मों की कामयाबी ने इन्हें फिल्मी सनत के कामयाब हदायतकारों की सफ में ला खड़ा किया। वो अपनी फिल्मों में ना सिर्फ मरकजी किरदार अदा करते बल्कि एक आध नगमा भी अपनी आवाज में शामिल करते थे। फिल्म दो रंगीले में रंगीला का एक नया रूप सामने आया। उन्होंने बतौर मौसीकार चार नगमात की धुनें तख्लीक की। इनमें एक गीत वे मैं दिल तेरे कदमा च रखिया मकबूल आम हुआ। रंगीला ने फन के मुख्तलिफ शोबों में नाम और मकाम हासिल करने के बावजूद दूसरे हदायतकारों की फिल्मों में बतौर कॉमेडियन काम करना नहीं छोड़ा। हाँ, मैंने नमक हलाल कर दिया है मस्त हाथी के चमचे। शायद मस्त हाथी के दांतों को नहीं जानता जो दिखाने के और खाने के और हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे उस्ताद कैप्टन मार्वल को। अबे मेरे उस्ताद डबल डैकर की तोहिन कर रहा है। मैं अभी जाकर बताता हूँ उस बेकार लाश को। बता देना उस दरियाए मगरमच्छ को। मगरमच्छ दरिया में रहकर मगरमच्छ से बाहर। इसी साल उनकी एक और फिल्म मेरी मोहब्बत तेरे हवाले रिलीज हुई। रंगीला जब कामयाबी की जमानत बन गए तो दूसरे फिल्म साजों ने भी उनसे अपनी फिल्मों की डायरेक्शन कराना शुरू कर दी। रंगीला ने फिल्मी सनत में कामयाबियां समेटने के बाद एक तारीख साज फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक कुबड़ा आशिक के नाम से फिल्म शुरू की, जिसके लिए बारिश स्टूडियो में एक महंगा तरीन सेट लगाया गया था। ये उस जमाने की महंगी तरीन फिल्म थी जिस पर उन्होंने अपना तमाम सरमाया लगा दिया था और पूरी फिल्मी सनत की नज़रें इस फिल्म पर मरकूज थी। जब 28 अक्टूबर 1973 को फिल्म की नुमाइश हुई तो
तो इसने सबको हैरान कर दिया। फिल्म फ्लॉप हो गई जिसके बायस रंगीला की कमर टूट गई। नाकामी से रंगीला को शदीद सदमा पहुंचा, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और अगले साल सुबह का तारा के नाम से एक और फिल्म बनाई जिसकी नुमाइश 17 मई 1974 को हुई। लेकिन यह फिल्म भी कामयाबी से हमकनार ना हो सकी और कामयाब फिल्म साज का ताज उनके सर से गिर पड़ा। ताहम रंगीला एक बेहतरीन अदाकार और हदायतकार की हैसियत से खुद को मरवा चुके थे, इसलिए उन्होंने दूसरे हदायतकारों की फिल्मों में बतौर कॉमेडियन काम करना शुरू कर दिया। मेरे छोटे छोटे एक दर्जन बच्चे हैं, क्यों उनकी रिस्क मार करती हैं? रिस्क मार? तू क्या वाकई तू ठीक समझा है आपने। बाप दादा की जिंदगी आसामियां लाके गुजरी है और ये आसामी तो वो मुर्गी है कि सोने के अंडे दे। और उन्होंने दूसरे हदायतकारों की फिल्मों में अदाकारी करके और फिल्मों की डायरेक्शन देकर खुद को माली तौर पर मुस्तहकम करने की कोशिश शुरू कर दी। और चंद बरसों बाद वो एक बार फिर अपने पाँव पर खड़े हो गए और उन्होंने 5 साल के वक्फे के बाद एक नया तजर्बा किया और औरत राज के नाम से फिल्म बनाई जिसकी नुमाइश 13 जुलाई 1979 को हुई। लेकिन रंगीला का यह तजर्बा नाकाम हो गया, बल्कि उनकी एक और फिल्म एक वोटी तीन लाड़े भी नाकामी का शिकार हो गई। रंगीला ने बतौर मुसन्निफ फिल्म साज और हदायतकार आखिरी फिल्म खूबसूरत शैतान 1994 को रिलीज की थी जिसमें उन्होंने अपने बेटे जहांजेब रंगीला को बतौर हीरो मुतारफ कराया था, लेकिन वो फिल्म भी नाकामी से दोचार हो गई और एक बार फिर रंगीला का सरमाया डूब गया। इसके बाद रंगीला ने मुख्तलिफ हदायतकारों की फिल्मों में बतौर कॉमेडियन अदाकारी के जौहर दिखाए। रंगीला ने अपने कैरियर में बतौर फिल्म साज 10 फिल्में बनाई जिनका जिक्र किया जा चुका है। उन्होंने बतौर हदायतकार 20 फिल्में बनाई, इनमें 10 फिल्में उनकी होम प्रोडक्शन की थी। दीगर 10 फिल्मों में गंवार, बेगुनाह, जहेज, सोना चांदी, अमानत, नमक हिलाल, काका जी, राजा रानी, साहब बहादुर, कुली और चमेली शामिल। इनमें ज्यादातर फिल्में कामयाबी से हमकनार हुई। रंगीला ने अपने 41 साल कैरियर में 666 फिल्मों में फन के जौहर दिखाए। उन्होंने 14 फिल्मों में 30 के करीब नगमात गाए। इनमें दिया और तूफान, रंगीला, दिल और दुनिया, दो रंगीले, सुबह का तारा, इंसान और आदमी, मैं जिंदा हूँ, मेरी मोहब्बत तेरे हवाले, इंसान और गदा, मैं भी तो इंसान हूँ, पर्दे में रहने दो और मिस्टर बुद्धू शामिल है। रंगीला की आवाज़ में गाए हुए मशहूर गीतों में गा मेरे मनवा, हमने जो देखे ख्वाब सुहाने, मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला, हमने तुमसे प्यार किया, बताए दुनिया वाले तेरा किसी पे आए दिल, यहाँ कदर क्या होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की और दीगर शामिल हैं। रंगीला ने बतौर मौसीकार भी शानदार गीत तख्लीक किए। इनमें सजना ए महफिल तेरे लिए सजाई है, लोको बे लोको इस मुंडे नू रोको, वे मैं दिल तेरे कदमा च रखिया और बहुत से दूसरे गीत शामिल हैं। रंगीला पाकिस्तानी फिल्मी सनत के पहले और अब तक आखिरी फनकार हैं जिन्होंने इतने शोबों में अपने फ़न का लोहा मनवाया। रंगीला ने 3 शादियां की, इनके 12 बच्चे पैदा हुए। पहली बीवी से 4 बेटियां और 1 बेटा कामरान रंगीला पैदा हुआ। दूसरी बीवी से 2 बेटे जहांजेब, औरंगजेब और 1 बेटी पैदा हुई, जबकि तीसरी बीवी से 1 बेटी, 3 बेटे रिजवान, रहमान और रिहान पैदा हुए। रंगीला के 2 बेटों जहांजेब और कामरान ने फ़न की दुनिया में किस्मत आजमाई की, लेकिन उन्हें कामयाबी न मिल सकी। अलबत्ता उनकी पहली बीवी से बेटी फरा दीबा ने सियासत में नाम पैदा किया और वो पंजाब असेंबली की मेंबर बनी। अस्सलाम वालेकुम, मेरे वालिद साहब की आज बरसी है और आज उनकी बहुत याद आ रही है। बहसियत वालिद बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे बाप, बहुत शफकत रखने वाले, प्यार करने वाले, मोहब्बतें बांटने वाले, खुशियां बांटने वाले, ऐसे इंसान जो कि इस दुनिया में चले भी गई हैं लेकिन आज भी लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत ज़िंदा है। क्योंकि जो फ़नकार होता है, जो अच्छा इंसान होता है, जो रहम दिल इंसान होता है,
वो कभी भी नहीं मरता, वो हमेशा लोगों के दिलों में रहता है, हमेशा लोगों की यादों में रहता है। हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटें। मेरे वालिद साहब को अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। रंगीला 1999 में रिलीज होने वाली गुलकार सज्जाद अली की फिल्म एक और लव स्टोरी में आखिरी बार स्क्रीन पर जलवागर हुए। इसके बाद वो कुछ अरसा तक स्टेज ड्रामों में काम करते रहे, ताहम सन 2000 के बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर काम छोड़ दिया। 2003 में इन्हें बीमारियों ने अपनी लपेट में ले लिया, वो गुर्दों, फेफड़ों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। रंगीला की ख्वाहिश थी कि इनकी फिल्मों की नुमाइश बैरून मुल्क फिल्मी मेलों में की जाए और इनकी फिल्में एक फिल्मी मेले के लिए मुंतखब भी कर ली गई थी, लेकिन बीमारी ने इन्हें मौका ना दिया और उनकी आखिरी ख्वाहिश दिल में रह गई। वो 2 वर्ष तक बीमारियों से लड़ते लड़ते बिल आखिर 24 मई 2005 को 68 साल की उम्र में जिंदगी की बाजी हार गए। किला जोहर टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में असूदा खाक हैं। इनकी फिल्मी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नाजरीन, ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।